हमें क्या करना था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सर्किट है जिसमें कि हमको चार्ज निकालना है एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर। जब मुझे यहाँ पे निकालना है ना चार्ज एट एनी इंस्टेंट, तो मुझे यहाँ पे निकालना होगा करंट। यहाँ पे करंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज वी लिया, यहाँ वोल्टेज एक्स दे लिया, तो एक्स माइनस वी अपॉन आर प्लस एक्स माइनस जीरो अपॉन आर प्लस एक्स माइनस यहाँ पे क्यू बाई सी होगा, तो एक्स माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर इक्वल टू जीरो। ये हमने क्या किया, सॉल्व किया और हमको एक्स मिल जाएगा। इससे हमको यहाँ पे आई टू निकालना, आई टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस क्यू बाई सी, ये एक्स हो जाएगा यहाँ वोल्टेज, यहाँ क्यू बाई सी हो जाएगा, अपॉन आर कर देंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमको आई टू के लिए एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, चार्ज को निकालेंगे। यहाँ पे लिख सकता हूँ आई टू के बदले में लिख सकता हूँ यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। आई टू क्या हो जाएगा यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी, बट वट इज क्यू हियर, चार्ज ऑन द प्लेट। जिस जिस रफ्तार से जो चार्ज यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है, जो चार्ज एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है डी क्यू बाई डी टी, वही तो यहाँ का करंट भी फ्लो कर रहा है ना। इक्वल्स टू हो जाएगा सी वी माइनस टू क्यू बाई थ्री सी आर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट इसको हम लोग यहाँ पे ऐसा निकाले अगर, तो जब यहाँ पे टाइम जीरो था यहाँ पे चार्ज जीरो था, जब टाइम यहाँ पे टी हो जाएगा चार्ज यहाँ पे क्यू हो जाएगा। इसको जब मैंने किया ना, ये हो जाएगा लॉग टू द बेस ई टी वी माइनस टू क्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या डिवाइड करना, यहाँ लिमिट लगा देंगे क्यू जीरो, ठीक है, इक्वल्स टू टी बाय थ्री सी आर, और यहाँ पे माइनस वन बाय टू हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर जाना अच्छे से, ठीक है, तो मैं रेस्ट कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट पे सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि नेक्स्ट पे सेलेक्ट करने में क्या होगा, दिक्कत होगा, नीचे पीछे मुड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ कि लॉग टू द बेस ई सी वी माइनस क्यू माइनस टू क्यू फिर माइनस जीरो कर देंगे, तो बाय सी वी हो जाएगा ये इक्वल्स टू माइनस ऊपर चला गया टू बाय थ्री टी बाय सी आर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सी वी माइनस टू क्यू इक्वल्स टू बाय बाय सी वी इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस टू टी अपॉन थ्री सी आर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सी बी इक्वल्स टू सी बी माइनस टू क्यू इक्वल्स टू सी बी ई रेज टू माइनस टू टी, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट इसको इधर भेज देते हैं, तो टू क्यू क्या हो जाएगा हमारा, टू क्यू हो जाएगा हमारा इधर क्या सी बी वन माइनस ई रेज टू माइनस टू टी बाई सी आर, ठीक है। देखो यहाँ से टू को इधर भेजिए, इसको इधर कर दिया, और क्यू क्यू को निकालने बोला जाए तो क्यू क्या सी वी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो तुमको इस मेथड को देखिए घबराना नहीं है तुमको, क्योंकि हमारे पास क्या इसका शॉर्टकट भी है, ठीक है, वो मैं तुमको शॉर्टकट भी सिखा दूंगा। लेकिन अपने को शॉर्टकट का जो फील है तभी मजा आएगा जब अपने को समझने में आएगा, जब अपने को इसका पूरा लॉन्ग मेथड पता होगा। अभी जरा तुम देखो ये फॉर्मूला हमारा सही है कि गलत है। जब मैं टाइम को ले लूंगा इन्फिनिटी, टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे जब टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे, चार्ज जो यहाँ पे स्टोर होगा, अच्छा टाइम को पहले जीरो लेते हैं, जब टाइम यहाँ पे जीरो लेंगे तो ई रेज टू जीरो कितना हो जाएगा वन, वन माइनस वन कितना हो जाएगा जीरो, चार्ज कितना होगा जीरो, देखो मैच कर रहा है ना, इक्वल टू जीरो पे जीरो चार्ज होगा। जब टी को मैं लूंगा इन्फिनिटी बहुत समय के बाद, तो ये वाला पार्ट तो कुछ काम का ही नहीं है, मतलब ये तो इनफिनिट रेजिस्टेंस देगा, तो यहाँ पे करंट आएगा कितना वी बाय टू आर आएगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा वी बाय टू आर, और ये कितना रेजिस्टेंस है, ये आर, ये आर आर कट जाएगा, तो वी बाय टू हो जाएगा ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा वी बाय टू होगा, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा वी बाय टू हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस कितना चार्ज हो जाएगा सी वी बाय टू हो जाएगा, आ रहा कि नहीं आ रहा सी वी बाय टू, क्लियर। तो अपने को मेथड थोड़ा लंबा लगा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें,
ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अभी ना मैं तुमको इसी का ही शॉर्टकट बताता हूँ, मैं इसके फाइनल आंसर को डिलीट नहीं मार रहा हूं, इसका शॉर्टकट की अगर बात की जाए ना, ठीक है चलो इसका शॉर्टकट था मैं कल ले लूंगा, ठीक है तुम लोग ये मेथड को नोट कर जाना मैं, ठीक है। और ना मैं तुम लोगों को थोड़ा सा नया टाइम टेबल भेजूंगा जिसमें कि एंट्रेंस क्लास अलग होगी और उसकी क्लास अलग होगी, ठीक है। मैं आज ही टाइम सेट कर रहा हूँ, ठीक है, कि अभी क्या मैं थोड़ा कितने बजे होगा क्या बोले कल कितने बजे होगा सर? कल तो 7 बजे लूंगा मैं, ठीक है सर, कल मैं देखता हूँ, 3:40 मिनट के 3 क्लास लेकर के ना इसका ही पढ़ाऊंगा, एंट्रेंस का ही पढ़ाऊंगा कल, ठीक है सर, चलो बाय बाय सर।